अचार भी लगाना, तो इतना नींबू ले आया उसका अचार लगाना है, मिर्च का अचार लगाए हैं, और अभी आंवला का भी देखिए मुरब्बा भी फ्रिज में पड़ा ही हुआ है। तो चलिए और भी जो है घी वाली इतना आवाज कर रहे थोड़ा सा धीरे बोलिए नहीं सुन रहे तो बहुत इनको पसंद आता है सामान। धीरे धीरे ब्लॉग में बताएंगे। जयपुर इनका बहुत खास, अपने नौकरी का शुरुआत जयपुर से ही किए थे ना, जयपुर से ही शुरुआत किए थे। बहुत मतलब एकदम खूबसूरत शुरुआत इनका जयपुर से हुआ था, बहुत सारी यादें हैं। तो धीरे धीरे ब्लॉग में लाऊंगी सामने। तो चलिए घेवर लो, तुम भी लो। ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। सुबह सुबह किचन और घर में काफ़ी काम करना पड़ता है, कभी कभी सभी चीज़ों को समेटने में काफ़ी वक्त लग जाता है। यही नहीं, इस वजह से बहुत सारे काम मेरे छूट भी जाते हैं। तो रात कल मटन बना था, तो मटन की रेसिपी पे आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद है। तो यहाँ पर जितने भी स्पून है ना, तो मैं उसको भी साफ़ कर रही हूँ गर्म पानी से। और क्योंकि मेरा किचन छोटा है, आप लोगों ने देखा है ना, तो एडजस्ट भी नहीं है, तो जितने भी तेल के जो छींटे वगैरह है ना, तो उससे बहुत सारे डब्बे जितने भी होते हैं ना, सब चिपचिप हो जाते हैं। तो हर दो तीन दिन में मैं साफ़ कर ही लेती हूँ। तो आज किचन के कपड़े भी जो है ना, तो इसमें भी बदबू आ जाती है अगर आप दो से तीन दिन में गर्म पानी से नहीं साफ़ करें तो। तो क्या होता है ना कि हम कभी कभी लगता है कि नहीं मैं संडे को सारे रूटीन फॉलो करूँ, लेकिन मैं एक टिप्स और भी देना चाहती हूँ ब्लॉग के माध्यम से कि अगर आप छोटे छोटे अगर रूटीन को फॉलो कर लोगे ना कि इतना से इतना टाइमिंग में मुझे ये करना है, तो काम बहुत ईजी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर मैं अपने बेटे का टिफ़िन अरेंज करके रख रही हूँ सब। मैंने धूप यहाँ से बहुत अच्छी आती है, तो क्योंकि मैं जल्दी से लंच बना करके फट से उसे दे सकूँ। सारे बर्तन मैंने क्लीन किए, रात में मैंने छोड़ दिया था, तो डस्टबिन में मैं रोज़ साफ़ करती हूँ। और जब भी आप किचन में काम करें ना, तो हाथों हाथ किचन के सामान को समेट लें। ऐसा करने से क्या होता है ना कि आपका काम का समय बिल्कुल बचेगा। और अगर खाना बनाने जा रही हूँ, तो अपने समय को बचाने के लिए जो भी रेसिपी आप बनाने वाली है, तो उसको पहले से आप ना साफ़ सफाई करके रख दें। तो मॉर्निंग में जो भी मुझे सब्जी बनानी होती है, तो मैं सब सब्जी को धो करके रख लेती हूँ कि जब भी मैं किचन में जाऊँ तो फटाफट से लंच बना लूँ। तो यहाँ पर मेरा किचन छोटा है, तो जितने भी ऑयल के दाग वगैरह लग जाते हैं, तो मैं सब साफ़ कर रही हूँ। और ये फ्रिज है ना, तो मैं टीचिंग का काम करती थी, तो फर्स्ट सैलरी से मैंने सबसे पहले ये फ्रिज खरीदा था। तो ब्लॉग के माध्यम से बहुत सारी चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ और करती रहूँगी। तो यहाँ पर फ्रिज भी मैं बहुत प्यार से साफ करती हूँ, क्योंकि इसको मैं बहुत ही शौक से ली थी। तो यहाँ पर चलिए, मतलब ये जो डस्टिंग है ना, तो मेरा रोज का काम रहता है। और किचन क्लीनिंग तो मैं रात में ही कर लेती हूँ, लेकिन आज मॉर्निंग में की। तो चलिए ये सब डस्टिंग वगैरह करने के बाद पहले मैं किचन को साफ कर लेती हूँ, फिर झाड़ू पोछा करती हूँ। और देखिए ये टेबल पे ना, लोग रात में खाना खाते हैं, मैं कितना भी बोलूँ डाइनिंग टेबल पे आके खाने के लिए, तो इससे क्या होता है ना, मेरा काम थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का समय मुझे ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि ये शीशे के टेबल है ना, तो देखिए कॉर्नर पे कितना ज़्यादा जो है ना, जितना खाना चिपक जाता है। तो मुझे साफ़ करने में बस 5 से 10 मिनट टाइम ज़्यादा लग जाता है। और मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है ना कि 5 से 10 मिनट भी मुझे अगर काम में ज़्यादा हो जाता है, तो मेरे लिए बस इधर के जो टाइम मैनेजमेंट है ना, वो गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से मैं साफ़ कर लेती हूँ। रात में लोगों ने मटन खाया था, तो ये कवर को मैं साफ़ कर दूंगी। तो ये बात छोटा सा बालकनी में बहुत अच्छा तरह से मुझे धूप आती है, यही बैठ के सारा काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे किचन क्लीन करूँगी, उसके बाद से फिर मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पर किचन का डस्टबिन वगैरह भी मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, तो सबसे पहले किचन में पोछा वगैरह लगा लेती हूँ, और उसके बाद फिर जो भी क्लीनिंग का काम करूँगी। और अब आती है होम क्लीनिंग की, जैसे घर में झाड़ू पोछा की बारी। तो जल्दी जल्दी बेडरूम की सफाई करने के लिए सबसे पहले कमरे में झाड़ू लगा ले। झाड़ू लगाने से क्या होता है ना कि आपका समय जो है ना, बिल्कुल बच भी जाता है पोछा लगाने में, क्योंकि पोछा अगर लगाते हैं बिना झाड़ू लगाए, तो बहुत सारे गंदगी जो है निकल करके आते हैं। और कमरे में रखी हुई सभी चीज़ों को भी आप व्यवस्थित भी करते जाए। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा करके और सारे मैं अरेंज भी करते जाती हूँ। तो ये है बेटे का रूम, तो देखिए यहाँ से काफ़ी अच्छी धूप भी आती है। तो देखिए ये कपड़ा उसका मैं रोज़ निकालती हूँ, तो अभी जा करके मैं सीधे बालकनी में बैठ करके साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर जितने हैं ना विंडो वगैरह, तो मैं इसको मैं रोज़ साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर पे भी अच्छी धूप आती है, तो चलिए उसके कपड़े भी मैं निकाल लेती हूँ। सबसे पहले झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद से कपड़े को मैं सर्फ में डाल के रख देती हूँ। तो ये मेरा छोटू सा बालकनी में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं देखिए सारे कपड़े को बस हाथ से खींच लेती हूँ। तो आज थोड़ा सा कपड़ा भी ज़्यादा
ऐसा हो गया है तो सबको यहीं पे बैठे बैठे मैं खींच लेती हूँ। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी हो जाता है, तो झाड़ू भी मैं बैठ के ही लगा लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि आपका जो है ना हाथ पैर में जितना भी दर्द रहता है ना, तो बिल्कुल वो भी थोड़ा कम होगा। तो ये सब क्या होता है ना, एक तरह से एक्सरसाइज होता है। और उसके बाद नहा के आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो आज मंगल है, तो मंगल में के पूजा में मुझे आधा घंटा से थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो चलिए आ गई हूँ सीधे नहा के अपनी किचन में पूजा करने के बाद। तो बेटा सुबह लेके गया था पराठा भुजिया, तो आने के बाद फिर बोला मम्मी थोड़ा सा मैगी खिला दो। तो यहाँ पर मैं आटा नूडल्स में बना रही हूँ और आज लाल साग लेके आया है। मुझे बहुत दिन से मन कर रहा था लाल साग और चावल बनाए, तो आज मैं दाल स्किप कर रही हूँ। कल से मैं थोड़ा सा ज़्यादा थक गई, तो मैं सोची कि चलो ये लोग भी बोले कि चलो लाल साग ही बना दो। और परवल अभी बहुत नया मिल रहा है, तो परवल की सब्जी बनाऊंगी काली मिर्च वाली। तो चलिए साग बना लेती हूँ और सबको मैं मैगी दे देती हूँ। तो आज तो मंगल था, तो कल नॉनवेज बना था, तो पूरा हम सफाई किए किचन उचन में, क्योंकि पूजा पाठ का भी सामान बनाना पड़ता है। तो लंच थाली में आज क्या बोलूंगी, आज मैं दाल नहीं बना रही हूँ। और बेटा बोल रहा है कि नहीं मैगी बना दो, जबकि सुबह में हम लंच दे दिए थे आलू पराठा, और सभी नहीं सूट कर पाए आलू पराठा और भुजिया। और यहाँ पे बना रही हूँ आटा नूडल्स और लाल साग, बहुत दिन से खाने का मन कर रहा था तो ये लाल साग लेकर के आ गए हैं और चावल चढ़ा दिए हैं। तो आज किचन का क्लीनिंग जो है ना मैंने पूरा कर, ऐसा नहीं है कि आप संडे को ही कीजिए, मैं हर ब्लॉग में बताती हूँ कि संडे को बहुत सारा काम मतलब एक साथ हो जाता है। तो बीच बीच में जब मुझे लगता है कि किचन गंदा है, चाहे और भी क्लीनिंग करना है, तो एक एक चीज मैं करते जाती हूँ। तो चलिए मतलब मैं टाइम भी मेंशन कर दूंगी कि एक हमारा जो प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन जो होता है ना, तो एक रूटीन के थ्रू आप करेंगे ना काम, तो बहुत इजीली हो जाएगा कि नहीं ये टाइम पे हमें करना है। तो सुबह से 2 से 3 घंटे मुझे इधर के काम में लग गए, लेकिन मंगल और सैटरडे को थोड़ा सा पूजा मैं ज्यादा करती हूँ, तो आधा से 1.5 घंटा मुझे लग जाते हैं। तो आज तो मंगल है, तो यहाँ पर मैं आटा नूडल्स बना रही हूँ और चावल चढ़ चुका है। और चलिए नाश्ता पानी सेव काट के मिस्टर वर्मा को दे दिए हैं, बच्चे मैगी खाएंगे। और आगे की देखिए इवनिंग तक का रूटीन अगर हो सकता तो शेयर करूंगी, और नहीं तो जो भी लंच है तो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैगी बन गया है, तो मैं सबको दे देती हूँ मैगी। और यहाँ पर बना रही हूँ आलू परवल। तो आलू परवल अभी जो है ना बहुत परवल ताज़ा ताज़ा आया है, तो उससे पहले मैं लहसुन और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च डाल करके साग को मैं बना लूँगी, थोड़ा सा नमक डाल करके। और बहुत जगह ना लाल चना डाल करके भी बनता है, तो चलिए साग अभी बहुत ताज़े आ रहा है। तो यहाँ पर आलू परवल मैं काट ली हूँ और सिंपल सा मैं बना रही हूँ सब्जी काली मिर्च वाली। परवल अभी बहुत महंगे आ रहा है। और यहाँ पर ले आया है घेवर, देखिए बेटा लाया है घेवर, कौन ला के दिया? दिल्ली, तो उसको बेच करके आया। यहाँ पर एक और फ्राइज कॉल नहीं था, जो भी दिया घेवर उसको मेनी मेनी थैंक्स है। और अच्छा नहीं लगता है कि इतना खाते रहते हैं लेकिन रिटर्न के कुछ नहीं देते हैं। मिस्टर वर्मा जो है गॉसिप कर रहे हैं, छोटा बच्चा से प्लीज थोड़ा सा धीरे से बोलिए। और घेवर का तो चलिए इन लोग को दे देते हैं थोड़ा थोड़ा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के बिहार में पुआ चलता है, लेकिन घेवर राजस्थान का तो अपना अपना जो कल्चर है ना। और यहाँ पे देखिए इतना नींबू लेकर के आ गए हैं अचार लगाने के लिए, आंवला पड़ा हुआ है, नींबू का अचार भी लगाना, तो इतना नींबू ले आया उसका अचार लगाना है, मिर्च का अचार लगाए हैं। और अभी आंवला का भी देखिए मुरब्बा भी फ्रिज में पड़ा ही हुआ है। तो चलिए और भी जो है घेवर, इतना आवाज कर रहे थोड़ा सा धीरे बोलिए, नहीं तो चलिए घेवर सबको थोड़ा घेवर खाइएगा, घेवर खाइएगा थोड़ा सा खाएंगे इतना लिटिल बिट। सामने तो चलिए घेवर लो, तुम भी लो। कुछ नहीं इसको घस करके बस इसको नमक में डाल करके रख दूंगी, जैसे पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो चलिए ठीक है, अच्छा अपना अपना जो है ना देश का ठीक है, रख दो। तो देखिए आज का थाली लग गया है और खा करके बताएंगे कि आज की जो है थाली में, तो बोल रहे हैं कि तुम हमको नीमक व भात भी दोगी तो खा लेंगे। तो देखिए आज थोड़ा सा सफाई में लेट हो गया। तो परवल कैसे लाए थे? 40 रुपये पाव। देखिए कैसा बना है। तो इसमें हम लोग ना लहसुन और काली मिर्च से बनाते हैं, इसमें हम खा के बताएंगे। और वो वाला मिर्च का अचार निकाल दे राजस्थानी वाला है,
तो चलिए यहाँ पर आलू परवल का सब्जी साग है, और ये मिर्च देखिए, ये मिर्च जो बनाए थे ना, देखिए इसमें सरसों जो है बिल्कुल नींबू में गल रहा है। तो थोड़ा सा खा के बताइए आज का खाना आपको, हमको आई होप कि पसंद आया होगा। कैसा लग रहा है, ठीक बना है साग? हाँ ठीक है, सब्जी खा के देखिए और मिर्च खा के देखिए, तो ये वाला गला है कि नहीं। ये मिर्च इनको बहुत पसंद पड़ता है, वो भी जयपुर का है ये मिर्ची का, ठीक है टेस्ट आया है ना? नहीं तो गलेगा, अभी तो थोड़ा सा लगा ही है, गलेगा। और फिर देखिए इतना नींबू लेके आ गए हैं अचार लगाने के लिए। अब हम आदमी हैं कि जानवर हैं बताइए? पर तब तक बैठते हैं और बहुत सारे नींबू भी लेकर के आ गए हैं, तो हम बोल रहे हैं हम आदमी हैं कि बैल हैं, समझ नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा। और उसके लिए भी समय बोल रहे हैं कि लाल मिर्चा ले आए, लाल मिर्चा ले आए। अभी समय मिलने दीजिए थोड़ा सा, जिस दिन खाना कम बनाना रहेगा उसी दिन। और मैं खा रही हूँ बैर, बैर का बीजा है और नींबू का अचार लगाना। तो नींबू का अचार कुछ नहीं, घस करके बस नमक में डाल देना, कभी कभी पेट वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। परवल का सब्जी कैसा बना है, हाँ? कोई रिप्लाई नहीं है, देखिए परवल का सब्जी कैसा बना है? ठीक बना। कोई रिप्लाई नहीं है, तो जो नॉन वेजिटेरियन रहते हैं ना, तो उनको सब्जी अच्छा भी नहीं लगता है, ये आप जान जाइए, कितना भी बना लीजिए। और वही मटन चिकन थाली रहेगा तो खुश होकर के फिर आपको रिप्लाई करेंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग इतना ही है, ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। डेली ब्लॉग है, हम लोग अपने डेली रूटीन दिखाते हैं। मिलती हूँ कल के एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, फुल एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।